क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए, आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई आप लोगों से एक जानकारी शेयर करता हूँ, जानकारी है बागेश्वर धाम बाबा के बारे में। जानकारी ये है कि अभी मतलब हाल ही में उनके पीछे मीडिया पड़ी हुई है कि मतलब तुम फेक हो, तुम ढोंगी हो, ये हो वो हो। तो भाई उन्होंने मतलब एक AVP न्यूज़ वाली चैनल, उसके मतलब चाचा जी का नाम बता दिया, पूरी डिटेल बता दी कि तुम्हारी भतीजी का नाम ये है, और मतलब उन्होंने सब कुछ बता दिया। भाई मेरे पास एक क्लिप, मतलब एक लड़के ने मतलब मुझे मेल किया, मेरा मतलब फ्रेंड है, तो उसने मेल किया कि जो उन्होंने बताया है वो आज से 5 साल पहले, ये जानकारी पहले से ही फेसबुक पे पड़ी हुई है। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है इस बात पे कि जो बाबा जी ने बताया है वो पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि बाबा जी को वो डिटेल मिल कहाँ से गई, उन्हें कैसे पता था कि ये है ये नहीं है। तो भाई अगर आप लोग अगर ये चाहते हो कि बाबा जी के ऊपर वीडियो बनाई जाए फुल डिटेल के साथ, और मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊँगा कि उसमें डिटेल फिल है या नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो तो हाँ बोलना। मैं आपको मतलब उसका पूरा मतलब जो भी मतलब उसने मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा है मेल में, मैं आपको वो सेंड मतलब उसमें डाल दूंगा, वीडियो में क्लिप डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो वो आप देखना। और बागेश्वर धाम बाबा ने जो बोला था कि आज के बाद हम अर्जी नहीं लगाएंगे, मतलब सफाई नहीं देंगे, तो भाई सफाई मुझे तो यहाँ तक ये लगता है कि देखो अगर बुरी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ें भी होंगी, इसलिए मैं बिलीव करता हूँ और इस चीज़ को मतलब मैं मानता हूँ कि अगर अच्छी बुरी चीज़ें हैं तो गलत मतलब जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ें भी होंगी। तो मुझे ये लगता है कि बाबा जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच है, इसलिए मैं इन चीज़ों को झुठलाता नहीं हूँ। और भाई रही बात मैं इन चीज़ों का प्रूफ करने की, तो मैं इस चीज़ को देखो डिनाई नहीं करता हूँ कि वो पड़ी होगी, बिल्कुल पड़ी होगी, और लेकिन ये भी तो बहुत मतलब ज़रूरी बात है कि 5 साल पुरानी चीज़ें उन्हें कैसे पता लग गई, ठीक है। और एक दो बार और लोगों का भी मतलब बताया है कि ये है तुम्हारा वो है, मतलब सब कुछ प्रॉपर जानकारी दी है उन्होंने। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ और पूरी मतलब पूरी डिटेल में कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, कैसा है सिस्टम, माइंड रीडिंग करते हैं क्या करते हैं, आप मुझे बताना, मैं फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं जानकारी और ले रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको पूरी तरीके से मतलब क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए, आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं।